नमस्कार दोस्तों, मैं वॉचमैन का काम करता था। एड फिल्म वाले आ गए और मुझको देखकर बोले, भैया तुम वॉचमैन का काम क्यों करते हो? तुम्हारे अंदर टैलेंट भरा। मैं बोला, मेरा टैलेंट और तुम्हारी नजर मेरे पेट पर है। वो बोले कि भैया तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारा पेट है। हम बड़ा पेट वाला इंसान खोज रहे थे, आप मिल गए हो। मैं बोला, इस पेट की वजह से मुझे वॉचमैन का काम करना पड़ा। और ये बोल रहे, ये पेट तुमको आगे बढ़ाएगा। मैं बोला, भैया मेरे पेट के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं करोगे ना? बोला, नहीं, ये आपका बड़ा पेट आपको बड़ा पैसा कमा के देगा। मैं बोला, क्या करना होगा? कुछ नहीं, हमारी एक ऐड है, वो ऐड करना है। मैं बोला, भैया मुझे समझता नहीं, और हम सब सिखा देंगे। फिर उन्होंने मुझे, ये मेरा शर्ट है, इससे भी टाइट कपड़ा पहना दिया। बोला, अब क्या बोलना है? क्या मेरे के सामने खड़े कर दिया? भाई मैं तो वॉचमैन आदमी, क्या मेरे के सामने मैं कैसे बोलूंगा? बोला, डरने का नहीं, सिर्फ बोलने का। मैं बोला, क्या बोलने का भाई? वो बोला, सिर्फ बोलने का। मैं बोला, भाई क्या बोलने का वो बताओ। वो बोला, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलने का। मैं बोला, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक्शन करके दिखाया, फिर मैं वैसे बोलने लगा। वो बोला, एक्शन। मैं डर गया, ये एक्शन बोल रहे कि मुझे डरा रहा। वो बोला, उसका स्टाइल है। मैं बोला, ठीक है साहब, थोड़ा आराम से एक्शन बोलो, मेरे को दिल का कमजोर हूं, मैं मर जाऊंगा तुम एक्शन बोलेंगे। बोला, टेंशन मत लो, आपको बोलना है। मैं बोला, क्या बोलना है? वो बोला, ध्यान से सुन, मैं पहले मोटा था। मैं बोला, सर ये वाक्य गलत है, मैं पहले मोटा नहीं था, मैं अब मोटा हूं। अरे ऐसे बोलने का? मैं बोला, ठीक। वो बोला, ध्यान से सुन और मेरे पीछे बोल, मैं पहले बहुत मोटा था, फिर मैंने ये कैप्सूल खाया और चमत्कार हो गया, मेरा पेट गायब हो गया, यह सिक्स पैक आ गया। मैं बोला, साहब ये पेटी पैक है, उसका सिक्स पैक कैसे होगा? वो बोला, टेंशन नहीं लेने का, तुमको सिर्फ बोलने का। मैं बोला, साहब मेरे से झूठ बुलवा रहे आप, पेट के लिए, पापी पेट के लिए झूठ बुलवा रहे। बोला, ऐसा मत करो, अरे एडवर्टाइज में झूठ बोलना पड़ता है। मैं बोला, ठीक है साहब, पापी पेट के लिए झूठ बोलता। फिर उन्होंने मेरा बहुत प्रैक्टिस लिया और फिर मैं बोलने लगा। वो बोले, एक्शन, धीरे से बोला एक्शन, क्यों मुझे इधर तकलीफ है ना, इसलिए। अब उन्होंने बोला, एक्शन। मैं भी एक्टिंग के जोश में आया और मैं बोलने लगा, मैं पहले बहुत मोटा था, फिर मैंने कैप्सूल खाया और वो कैप्सूल खा के मेरा पेट गायब हो गया। वो बोला, वाह क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। मैंने बोला, मैंने जबरदस्त एक्टिंग की? वो बोला, तुमने नहीं, तुम्हारे पेट ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की। एक्टिंग मैंने की और साला क्रेडिट मेरे पेट में लिया। मैं बोला, कोई बात नहीं, 10,000 रुपए मिले मुझे, मैं खुश हो गया।
हाँ, 10,000 रुपया मिला। मैं महीना भर काम करता था तब मुझे 10,000 मिलता था। मैंने एक एड फिल्म की 4 डायलॉग बोले और मुझे 10,000 मिल गया। मैं मोटा था, मैंने कैप्सूल खाया और मेरा पेट गायब हो गया। 10,000 पा लिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम है। एक 10-15 दिन के बाद वो एड मार्केट में आ गया। लोग देखने लगे और कंपनी का प्रचार बढ़ने लगा। वो एड भी सुपरहिट हो गया। कंपनी का बिजनेस बढ़ गया। लेकिन मुझे बहुत मार खाना पड़ा भाई, क्योंकि मुझे जितने लोग जानते थे वो मुझे रोज देखते थे। मेरी औरत रोज टीवी पे देखती थी मेरी एड। पहले मैं मोटा था, फिर कैप्सूल खाया और पेट गायब हो गया। बोली, छोटे मक्कार, 10,000 रुपए के लिए आपके पेट के साथ क्या किया? क्या किया तुमने ये? मैं बोला, माफी कर। फिर दोस्त बोला, अरे 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 अरे, 10,000 रुपए के लिए अपना पेट गिरवी रखा? लोग ईमान गिरवी रखते हैं, तुमने पेट गिरवी रख दिया? झूठ बोलता है टीवी पे। तेरा पेट जैसे था वैसे ही है। अब क्या बताऊं, मैं नौकरी पे जाता था, उधर भी मेरे वॉचमैन लोग मुझे चिढ़ाते थे। पहले ये मोटा था, फिर इसने कैप्सूल खाया और इसका पेट गायब हो गया। ये टीवी पे बोलता है, लेकिन असलियत में पेट उसका उतना ही बड़ा है। मेरा सुपरवाइजर तो मेरे को चिढ़ाता था। ये ड्यूटी पे आता था, खाना गपा गप खाता था और नाइट को सो जाता था। इसके वजह से इसका पेट बढ़ जाता था। भैया माफी मांगता हूं, ये जो एड फिल्म वाले रहते ना, इनसे बच के रहना। ये बोलते हैं, मैं पहले मोटा था, फिर कैप्सूल खाता था और पेट गायब हो जाता है, सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको पेट कम करना है तो सुबह जल्दी उठना है, बाथरूम को जाना है, वहां से आना है और डायरेक्ट गार्डन में जाना है जॉगिंग करने। मेरे जैसे मत करो। मैं भी गार्डन जाता था और घर पे वापस आता था, पेट कम नहीं हुआ। तो दोस्त ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ, कितने बजे गार्डन जाता था? मैं बोला, दोपहर के 1 बजे में गार्डन जाता था। उसने तमाचा मारा, बोला, तुम्हारे बाप ने दोपहर के 1 बजे गार्डन खुला रखा था? चल घर पे। ऐसा है भाई, मेहनत करो, परिश्रम करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, पेट गायब हो जाएगा। झूठी एडवर्टाइज से बचो। धन्यवाद, धन्यवाद।